वीनस यानी शुक्र, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार, मास और बहुत सारे अन्य मापदंडों में भी कई समानताएं देखने को मिलती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की तरह ही वीनस पर भी कभी पानी प्रचुर मात्रा में रहा होगा, बड़े बड़े महासागर रहे होंगे और इन सबसे बढ़कर यहाँ कभी जीवन भी मौजूद रहा होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा जिससे वीनस की खूबसूरती के साथ इस पर मौजूद पानी, जीवन एकदम से खत्म हो गया? मरकरी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, परंतु इसके बावजूद वीनस का टेम्परेचर मरकरी से ज्यादा कैसे है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए 1960 से 1990 तक अमेरिका और सोवियत यूनियन ने वीनस पर कई मिशन भेजे। वीनस का औसतन टेम्परेचर 460 से 480 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, जिससे यहाँ लैंडर भी पिघल जाता है। इसी कारण इतने मिशन भेजने के बावजूद वहाँ किसी स्पेसक्राफ्ट को कुछ घंटे भी टिका पाना नामुमकिन था। किसी स्पेसक्राफ्ट को कहीं पर भी उतार दो और वो बस 10-15 मिनट में ही अपना काम शुरू करके आधा एक घंटे में खत्म कर देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए उस वक्त जितने भी मिशन भेजे गए थे उनसे जिस लेवल की उम्मीद थी वो उस उम्मीद के साथ काम नहीं कर पाए। और वैसे भी उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी जिससे किसी स्पेसक्राफ्ट को 400 से 500 डिग्री सेल्सियस जैसे पिघला देने वाले टेम्परेचर में ज्यादा वक्त तक टिकाया जा सके। आज भी अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में कुछ ज्यादा तरक्की नहीं हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसे उपकरण बना दिए हैं जिससे कम वक्त में भी ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके धरती पर भेजी जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा उन्नत करने पर नासा के वैज्ञानिक जोर दे रहे हैं। नासा के लिए इस टेक्नोलॉजी को कम खर्चे और जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द विकसित कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2029 तक नासा अपने एक बेहद ही महत्वाकांक्षी मिशन को वीनस की धरती पर भेजने वाला है। इस मिशन का नाम है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग प्लस। बाप रे, इतना बड़ा नाम! अरे टेंशन मत लीजिए, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है जिसे दा विंची कहते हैं। दा विंची यह इस मिशन की एक खास पहचान है, क्योंकि यह इस मिशन का नाम होने के साथ ही एक महान व्यक्ति का नाम भी है और इस मिशन की थीम भी उनके विचारों से प्रेरित है। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि वो महान इंसान कौन थे और उनकी क्या पहचान थी, वो किस लिए आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वैसे इसका जवाब वीडियो के खत्म होने तक आपको मिल ही जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन तब तक इस मिशन को लेकर नासा का क्या कहना है ये जान लीजिए। नासा के अनुसार यह मिशन अगर पूरी तरह सफल हुआ तो आज तक दुनिया भर के वैज्ञानिक वीनस को लेकर जो अजम्पशन यानी कि कल्पनाएं लगाए बैठे हैं वो सभी उजागर हो सकती हैं। कई वैज्ञानिकों की वीनस के बारे में की गई कल्पनाएं सच तो कईयों की झूठ साबित हो सकती हैं। साल 1990 में वीनस की ऑर्बिट में पहुंचने वाला मैजिलन यह नासा का आखिरी मिशन था। इसने अपने रडार की सहायता से वीनस की मैपिंग की थी। जैसे मैजिलन के बाद भी कई मिशंस वीनस की ऑर्बिट से होकर गुजरे थे, पर उन सभी मिशंस का आखिरी पड़ाव कोई दूसरी जगह थी। वो सिर्फ वीनस को फ्लाईबाई करके निकल जाते थे। मैजिलन नासा का वो लास्ट मिशन था जो प्योरली वीनस के लिए डेडिकेटेड था। उसके बाद से दा विंची और वेरिटास या नासा के वो दो मिशन होने वाले हैं जो पूरी तरह से वीनस की स्टडी करने के लिए लॉन्च किए जाएंगे। जी हाँ, नासा 2 साल के अंतराल में बैक टू बैक 2 मिशंस सिर्फ और सिर्फ वीनस के लिए भेजने वाला है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि दा विंची को 2029 तक लॉन्च किया जाने वाला है, तो वहीं वेरिटास को इससे 2 साल पहले ही यानी कि साल 2027 में ही लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। यह दोनों ही मिशंस नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम के अंदर आते हैं। डिस्कवरी प्रोग्राम के अंडर नासा हमारे सौरमंडल के रहस्यों की सिरे से जानकारी जुटाने हेतु मिड साइज मिशंस को लॉन्च करता है। इन मिशंस को कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव यानी ज्यादा स्टडी करने के नजरिए से डिजाइन किया जाता है। अमूमन इन मिशंस का बजट $1 बिलियन से कम ही होता है। तुलना के लिए अगर बताया जाए तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन एक भारी भरकम बजट का मिशन है जिसका बजट $10 मिलियन था, मतलब भारतीय रुपए में यही कोई 77,000 करोड़ रुपए। इससे आप सही अनुमान लगा सकते हो कि एक कम बजट और एक भारी भरकम बजट के मिशन में कितना ज्यादा अंतर होता है। खैर, बजट से हटकर अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि आखिर इन दोनों मिशन की खासियत क्या होने वाली है। सबसे पहले जिस मिशन को लॉन्च किया जाने वाला है उसी के बारे में जान लेते हैं।
यानी कि वेरिटास मिशन के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि वेरिटास मिशन को साल 2027 में लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है। अब वो बात अलग है कि जैसे कोविड पैनेडेमिक की वजह से कई प्रोग्राम्स कई साल पीछे चले गए, उसी तरह अगर कोई समस्या बीच में खड़ी हो जाती है तो फिर मिशन आगे भी धकेला जा सकता है। वेरिटास नासा के दो बहुत ही महत्वपूर्ण वीनस मिशंस में से एक है। वेरिटास का मतलब उसके कार्य करने की पूरी जानकारी बयां करता है। वेरिटास का मतलब है वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके मतलब से ये तो समझ आ रहा है कि यह मिशन कहीं ना कहीं वीनस के भूरचना यानी कि लैंडस्केपिंग का अध्ययन करने वाला है। 2 जून 2021 को दा विंची के साथ वेरिटास को वीनस मिशंस के लिए सेलेक्ट किया गया था। प्लानिंग के मुताबिक वेरिटास दिसंबर 2027 को लॉन्च होगा और जुलाई 2028 तक वीनस की ऑर्बिट में पहुंचकर उसको ऑर्बिट करने लगेगा। ऑर्बिट शुरू करते ही यह अपने हाईटेक उपकरणों के साथ अपना काम शुरू कर देगा। वेरिटास अपने स्पेसक्राफ्ट में मौजूद VISAR यानी कि वीनस इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार और VEM यानी कि वीनस इमिसिविटी मैपर की सहायता से वीनस की सतह और इसके इंटीरियर का बारीकी से अध्ययन करेगा। इन उपकरणों की मदद से डिटेल्ड रडार मैप्स तैयार किए जाएंगे जो 1990 में मैजेलन मिशन के दौरान बनाए गए मिशन से कई गुना बेहतर होंगे। वैज्ञानिक इस मिशन से मिलने वाले सारे डेटा को इकट्ठा कर वीनस के टोपोग्राफी यानी कि स्थलकृति के दुनिया का सबसे पहला हाईटेक रेजोल्यूशन वाला मैप तैयार करेंगे। इसी दौरान वीनस के उन जगहों का भी मैप तैयार किया जाएगा जिन जगहों पर आज भी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हलचल होती रहती है। और अपने आप में ये भी इस प्रकार का दुनिया का सबसे पहला मैप होगा। एक सेंटेंस में आसानी से समझें तो वेरिटास वीनस की सतह और अंतर भूभाग यानी कि इंटीरियर का बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का मैप तैयार करने वाला है जिससे वीनस की संरचना को समझने में काफी आसानी होगी। वैज्ञानिक कई सालों से कहते आ रहे हैं कि वीनस किसी समय एक हैबिटेबल प्लैनेट हुआ करता था जो आज भी हमारे सौरमंडल के गोल्डी लॉक्स जोन में आता है। मतलब वीनस सूर्य से उतनी दूरी पर मौजूद है जहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है, लेकिन आज के वक्त वीनस का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों से भरा हुआ है। इन्हीं जहरीली गैसों से भरा इसका वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल से 90 गुना ज्यादा घना है जिसके चलते वीनस पर बहुत ही हाई लेवल का ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है जिससे इसकी सतह से निकलने वाली गर्मी इसके वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाती और यही वो कारण है जिससे वीनस का टेम्परेचर मरकरी से भी ज्यादा होता है। मतलब इतना ज्यादा कि वीनस अल्टीमेटली सौर मंडल का सबसे हॉट प्लैनेट बन जाता है। किसी समय जीवन पनपे ऐसी परिस्थिति होने वाला प्लैनेट आज इतना बर्बर कैसे बन गया? वीनस के वायुमंडल में इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कैसे तैयार हो गया? आखिर वीनस के इतने घने वायुमंडल की असल वजह क्या है? इन सारे सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए नासा 2029 में दा विंची नाम का मिशन लॉन्च करने वाला है। दा विंची मिशन की बात करें तो यह वेरिटास से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स माने जटिल मिशन होने वाला है। इस मिशन में ऑर्बिटर के साथ एक प्रोब भी होगा जो वीनस की सतह पर पैराशूट की मदद से लैंड भी करेगा। लैंड करते वक्त जब प्रोब वीनस के घने वायुमंडल से होकर गुजरेगा तब ये उसमें मौजूद गैसों की स्टडी करेगा, खासकर नोबल गैसों की, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गोन, ज़ीनोन, रीडोन। इन गैसेस के बारे में तो आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। मजे की बात बताऊं, पढ़ते वक्त इतने बड़े पीरियोडिक टेबल में मुझे सबसे ज्यादा यही नोबल गैसेस याद रहती थी क्योंकि एक तो यह पीरियोडिक टेबल में एकदम से लास्ट कॉलम में दिखती थी और पढ़ाई करते वक्त भी यह आसानी से याद हो जाती थी। खैर, नोबल गैसेस याद करने के अलावा भी बहुत खास होती हैं। इन्हें जीरो ग्रुप भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं होती, जैसे ये बहुत लंबे समय तक वैसी की वैसी बनी रहती हैं। नोबल गैसों की यही खासियत वैज्ञानिकों को वीनस के पास्ट में हुए बदलावों की जानकारी देने वाली है। जब से वीनस के वायुमंडल और सतह पर बड़े और गहरे बदलाव हुए हैं तब से लेकर आज तक यह नोबल गैसें वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। इसी के साथ इस प्रो में कई सारे हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाने वाला है जिसमें सबसे खास होगा VMS यानी वीनस मास स्पेक्ट्रोमीटर। यह एक ब्रीफकेस के आकार की केमिस्ट्री लैब होगा। आपने अगर किसी कॉलेज की भी केमिस्ट्री लैब देखी होगी तो वह इतनी बड़ी होती है कि वहाँ बैठकर कई स्टूडेंट्स अलग अलग केमिकल्स को लेकर कई तरह के प्रयोग करते हैं। सोचकर देखो, ब्रीफकेस के आकार की इतनी सी केमिस्ट्री लैब में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन इस छोटी सी लैब की खासियत जानकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इस छोटी सी लैब में कई तरह की गैसों को जमा करके हर एक गैस को अलग अलग कर उनका बारीकी से अध्ययन करने की व्यवस्था की गई है। इसी केमिस्ट्री लैब की सहायता से
वीनस के वायुमंडल में मौजूद हर एक गैस और एलिमेंट्स की बारीकी से स्टडी की जाएगी, जिससे वीनस के वायुमंडल को और ज्यादा डिटेल्ड तरीके से समझा जा सकेगा। इसमें कई सारे हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं, जिससे उजाले में अलग और रात के वक्त अलग तरीके से तस्वीर ली जाएगी। वेरिटास और दा विंची मिशन में ली गई इन तस्वीरों को इकट्ठा करके वीनस के हर एक जगह का बहुत ही डिटेल्ड मैप तैयार किया जाएगा। इस प्रोब में मौजूद VASI यानी कि वीनस एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन उपकरण की सहायता से वीनस की सतह से 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टेम्परेचर, प्रेशर और हवाओं को मेजर किया जाएगा। इस प्रोब में AI टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से चलने वाले उपकरण को भी फिट किया गया है, जिससे प्रोब अगर किसी मुसीबत में पड़ गया तब भी वो अपने आप मनूवर करके उस मुसीबत से बच सकता है। जब यह प्रोब वीनस की सतह पर लैंड करेगा तब यह उसकी सतह पर मौजूद रॉक्स यानी कि पत्थरों की स्टडी करेगा। कई लोगों को लगेगा कि पत्थरों की जांच पड़ताल कर क्या मिलने वाला है। याद रखिएगा दोस्तों, पत्थर ही वो चीज होती है जो किसी प्लेनेट की भूसंरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझा सकती है। और क्योंकि वीनस की संरचना आज भी एक रहस्य है, तो इसके पत्थरों की स्टडी किसी बड़ी खोज को अंजाम दे सकती है। यह मिशन अपने काम की वजह से एक विज्ञान का चौंका देने वाला, तो इसकी डिजाइन से एक कला का खूबसूरत नमूना है, इसलिए इसका नाम दा विंची रखा गया है, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची भी कला विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञानी थे। इस मिशन के दौरान अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वीनस पर कभी जीवन पनपता था, तो इसकी की गई स्टडी से इस असीम ब्रह्मांड में मौजूद बाकी वीनस की कैटेगरी के प्लैनेट्स की जांच करने में आसानी होगी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्लैनेट पर जीवन के सबूत मिल जाए। इस मिशन की डीप स्टडी करने के बाद इस मिशन को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। और क्या आप भी उत्सुक हैं? तो कमेंट करके बताइएगा और एक सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि अपने सोलर सिस्टम में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।